टोनी और गोरी की शादी हुए बहुत समय हो गई थी, मगर उन दोनों का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात के कारण गोरी रो रही थी। टोनी गोरी से पूछता है, गोरी तुम रो क्यों रही हो? तब गोरी बोलती है, अगर आज हमारा भी बच्चा होता तो मैं उसके साथ खेलती। टोनी उसको चुप करा कर खाना लाने चला जाता है। तभी उसको कालू कौवा बोलती है कि टोनी तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तब टोनी बोलता है, मैं गोरी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी। तब शाम होती है, तब छोटी चिड़िया गोरी के पास जाती है और गोरी बहन बुलबुल बहन के पास एक ऐसे फूल का रस है जिससे पीने से बच्चा होता है। तब गोरी अपने पति टोनी को बताती है। फिर अगले दिन गोरी और छोटी चिड़िया बुलबुल के पास जाते हैं, मगर बुलबुल बोलती है, गोरी तुम माँ नहीं बन सकती हो। टोनी बोलता है कि गोरी बुलबुल बहन ने क्या बोला, मगर गोरी रोए जा रही रही थी। तब गोरी बताती है कि टोनी जी मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। तब टोनी गोरी को चुप करता है। फिर कुछ समय बीत जाता है, तब गोरी बोलती है, टोनी जी मेरी एक सहेली है, उसका नाम रानू है, आप उससे शादी कर लो। टोनी बोलता है, मैं सोच कर बताऊंगी। तब टोनी छोटी चिड़िया से बोलता है, छोटी चिड़िया बोलती है, टोनी तुम दूसरी शादी कर लो। तब कुछ समय बाद गोरी अपनी पति की शादी आपने करवा देती है। कुछ दिन बाद रानू को अंडा होता है, तब गोरी बहुत खुश होती है। गोरी रानू से भी ज्यादा उस अंडे को देखकर खुश होती है। फिर तीनों बाहर जाते हैं घूमने। तीनों एक पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक शिकारी का तीर आकर गोरी को लग जाता है। टोनी बहुत रोता है। कुछ समय बाद उस अंडे में से बेटा होता है। तब टोनी और रानू अपने बेटा के साथ बहुत खुशी से रहते हैं।